हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जो हॉकी इंडिया से रिलेटेड एक अपडेट थी, मैंने लास्ट 2-4 दिन पहले आपको एक अपडेट दी थी, जहां पे जो ओलंपियन और भारत के पूर्व कप्तान दिलीप टिरकी, जिन्होंने कि बहुत समय से हॉकी उड़ीसा जैसी जो गवर्निंग बॉडी है, जिसने स्टेट में ही नहीं बल्कि भारत में हॉकी को एक नई पहचान दी, उड़ीसा गवर्नमेंट ने जिस तरह का सपोर्ट दिखाया है, वहाँ के सीएम नवीन पटनायक के साथ साथ दिलीप टिरकी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का। और उसका एक अनुभव शायद अब हॉकी इंडिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कि कयास ये लगाए जा रहे थे कि जहाँ पे दिलीप टिरकी हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए अनअपोज्ड तरीके, यानी कि किसी भी तरह का विरोध किसी ने उनका नहीं किया, और वहाँ पे उनका इलेक्शन जीतना लगभग तय माना जा रहा था। और कल ही जो है वो, यानी कि कल शुक्रवार को ये तय कर दिया गया था कि हॉकी इंडिया के जो नए प्रेसिडेंट होंगे वो दिलीप टिरकी होंगे, और किसी भी तरह के विवाद और हम अगर कहें कि किसी भी तरह का कोई और कंटेस्टेंट वहाँ पे नहीं मिला, इस वजह से उनको एक तरह से हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में घोषित कर दिया गया। हालांकि 1 अक्टूबर के इसके चुनाव होने थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोई किसी भी तरह का ओपोनेंट नहीं होने की वजह से उनको इस तरह से डिक्लेयर कर दिया गया है प्रेसिडेंट के रूप में। वहाँ पे इस पोस्ट के लिए, जहाँ पे टिरकी के ओपोनेंट के रूप में उत्तर प्रदेश के जो हॉकी चीफ थे राकेश कटियार, और साथ ही साथ झारखंड हॉकी झारखंड के जो भोलानाथ सिंह थे, उन्होंने जो है वो एक बार नामांकन किया था, नॉमिनेशन किया था, और उसके बाद नाम वापस लिया था। तो विड्रॉ करने के बाद, जब उन्होंने नाम विड्रॉ किया, उसके बाद सीधा सीधा जो FIH के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से, अगर कुछ जो लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं उससे अगर कम संख्या में अगर वहाँ पे नॉमिनेशन हुआ है या कोई भी ओपोनेंट आपके नहीं होते, तो वहाँ पे उसे प्रेसिडेंट को के लिए डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो कुल मिला के अंत में जो है हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में दिलीप टिरकी को चुना गया है, एक ऐसा नाम, क्योंकि अपने आप में एक हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, इंडिया की तरफ से काफ़ी 200 से ज़्यादा कैप्स उनके पास हैं, और अगर इन 200 मैचेस से ज़्यादा का मैचों का अनुभव की अगर हम बात करें, साथ ही साथ जो कप्तानी भी उन्होंने की है, 3 बार ओलंपिक्स में भी खेले हुए हैं, तो कुल मिला के बहुत बड़ा अनुभव खेल का तो रहा ही है। लेकिन उसके बाद पिछले कुछ समय से लगातार हॉकी उड़ीसा जैसी गवर्नमेंट को और एक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रन भी जो है वो कर रहे हैं लगातार, तो वहाँ का अनुभव भी उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ा एक बैकअप के रूप में उनके लिए था, क्योंकि उस अनुभव की वजह से भी यहाँ पे किसी भी तरह के ओपोनेंट उनको नहीं मिले, और हर तरह से हॉकी इंडिया के जितने भी जो स्टेट एसोसिएशन हैं उन्होंने उसको सपोर्ट किया है। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक और इलेक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो दिलीप टिरकी के साथ साथ भोलानाथ जो है उन्हें भी जनरल सेक्रेटरी जो है वो वहाँ पे अनअपोज्ड जो है उनको भी जनरल सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो टर्की के साथ साथ भोलानाथ सिंह भी अपॉइंट कर दिए गए हैं जनरल सेक्रेटरी के रूप में। लेकिन बड़ा जो एक खुशखबरी कहें या एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि जो टर्की ने भी ट्वीट करके बताया है कि उन्होंने भी कहा है FIH को, और जो CEO हैं उनको भी उन्होंने धन्यवाद कहा है, जो डॉक्टर SY कुरैशी हैं हॉकी इंडिया के जो COA हैं उनको, और साथ ही साथ जो FIH जो है उसको भी उन्होंने थैंक यू कहा है इस सब चीज़ों को, इस तरह की प्रक्रियाओं को सही तरीके से कराने के लिए। तो अब देखना यही है, क्योंकि ट्वीट में उन्होंने यही कहा है कि भारतीय जो हॉकी है उसको एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनको एक नया चैलेंज मिला हुआ है इस पद को लेके, इस पद का जो उनको जहाँ पे उनको जीत मिली है उससे। तो देखना यही है कि अब किस तरह से हॉकी इंडिया की जो बॉडी है वो किस तरह से चलती है, और खिलाड़ियों और अन्य तरह के इस खेल को किस तरह से नई ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं अब, क्योंकि सामने जो है वर्ल्ड कप भी है, जहाँ पे मेंस वर्ल्ड कप फरवरी में भारत में ही होना है, राउरकेला और भुवनेश्वर में। तो कुल मिला के उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजिंग कंट्री के नेशन के रूप में भी आपकी तैयारियाँ किस तरह से रहती हैं, भारतीय खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो किस तरह का रहता है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी नज़र रहेगी। तो यही अपडेट आप लोगों से शेयर करनी थी, जहाँ पे कल जो है हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में दिलीप टिरकी को चुन लिया गया है, और प्रेसिडेंट के रूप में अपने कार्यभार को उन्होंने संभाल लिया है, एक नई ऊंचाइयों पे हॉकी को ले जाने की बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री नवीन पटनायक, उन्होंने भी ये खुशी जताई है, और उन्होंने भी ये आशंका जताई है कहीं ना कहीं इस तरह के बड़े खिलाड़ियों और इस तरह से बड़ी पर्सनैलिटीज़ को इस तरह के प्रेसिडेंट पद देना एक तरह से अपने आप में नई हाइट्स को अचीव करना होता है। तो अब यही उम्मीद है कि ये सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं सच हों, और आने वाले समय में हॉकी प्लेयर्स और हॉकी से जुड़े हुए जितने लोग हैं इस खेल को एक नई ऊंचाइयों तक, और जो हमारा स्वर्णिम इतिहास जिस तरह का रहा है,
साथ ही साथ हम उस चीज़ को भी आज के परिप्रेक्ष्य में जो है वो आज के सिनेरियो में हम थोड़ा सा उसको ढाल लें, तो यही उम्मीद है। तो यही एक बड़ी अपडेट थी, दिलीप डर की जो है प्रेसिडेंट हो गए हैं हॉकी इंडिया के। उनको किसी भी तरह का, एक तरह से किसी ने भी अनअपोज्ड तरीके से उनको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है प्रेसिडेंट के लिए। तो ये एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए थी। और भी कुछ अपडेट होती है आपसे तो रिलेटेड, इससे रिलेटेड या और भी गवर्निंग बॉडीज से या और भी स्पोर्ट्स से, तो हम लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, आगे भी आपसे इसी तरह से लाइव जुड़ते रहेंगे। और जो है जितने भी लोग अभी देख रहे हैं या और लोग जो बाद में देखेंगे, इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि अपडेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे तरीके से हम मीडिया, हमारी इंडियन मीडिया जो है वो अनबायस तरीके से, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि स्पोर्ट्स की जो अपडेट्स हैं वो लगातार नहीं देते, खासकर कुछ सेलेक्टेड गेम्स को के अलावा। तो यहाँ पे यही बात है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे हॉकी इंडिया जैसी बड़ी गवर्निंग बॉडी के प्रेसिडेंट का चुनाव होना या वहाँ से कोई चयनित होकर अगर प्रेसिडेंट पद पे आता है, तो ये अपने आप में बड़ी अपडेट के रूप में होती है। तो फिलहाल आप सभी जितने भी लोग इसमें इस समय हमारे साथ हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।